तो गाइज हम आ चुके हैं अपने एड्स मैनेजर पे, जहां पे हमें जब आप एड्स मैनेजर पे अपने लॉगिन करते हो तो आपको फेसबुक काफी सारे ऑप्शंस दिखाता है कि आपको कौन कौन सी एड रन करनी चाहिए, मतलब कौन कौन से आपको ऑप्शंस देता है एड रन करने के लिए। गाइज सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस, रीच एड, अगर इसमें आपको किसी की ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो ये कर सकते हो, रीच एड कर सकते हो, इंगेजमेंट एड, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस, स्टोर ट्रैफिक, कैटलॉग सेल्स, कन्वर्जन एड। ठीक है गाइज, लेकिन आज हम बात करने वाले ट्रैफिक ऐड के बारे में। इसके बाद मैं हर एक ऐड के ऊपर एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको आपको कौन सी ऐड कब यूज करनी चाहिए, कब कौन सी ऐड क्यों यूज करनी चाहिए, और इसके क्या बेनिफिट्स क्या है, क्या प्रोज कॉन्स है इस ऐड के, और आपको अगर आपकी ये सर्विस है तो आपको ये ऐड चूज करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज शुरू करने वाला हूँ गाइज, वो क्या है, हम किसी भी एक सेक्टर को पकड़ेंगे, लाइक रेस्टोरेंट पकड़ लिया, या सैलून पकड़ लिया, इंटीरियर डिजाइनर्स पकड़ लिए, या अपना कोई भी मतलब किसी भी चीज को हमने पकड़ लिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस चीज की, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप काम कर रहे हो, तो आपको उस चीज को कैसे मार्केट कर सकते हो इन एड्स के थ्रू। पूरी पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि आप कैसे मार्केट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम क्लिक करते हैं ट्रैफिक ऐड के ऊपर। ठीक है गाइस, नीचे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं कैंपेन नेम, कैंपेन नेम रख देते हैं हम, लाइक कुनाल डाल देता हूँ मैं, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। फिर हमें ऑप्शन आती है एड सेट नेम। अब एड सेट के अंदर आप एक कैंपेन के अंदर आप काफी सारे एड सेट्स बना सकते हो, और उस एड सेट्स के अंदर आप काफी सारे एड चला सकते हो। ठीक है, एड सेट का हम नेम लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं हम बॉडी बिल्डिंग। तो आज हम बॉडी बिल्डिंग वालों को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, ओके। तो उसके बाद नीचे गाइस ऑप्शन आती है ट्रैफिक की, कि आपको आपका ट्रैफिक है वो कहाँ पे भेजना है, अपनी वेबसाइट पे भेजना है, अपने ऐप पे भेजना है, या अपने मैसेंजर में भेजना है। अगर आपको अपने ऐप पे भेजना है तो ऐप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे गाइज, यहाँ पे आपको अपनी ऐप का नेम लिखना है। ठीक है, अगर आपका कई बार क्या होता है फेसबुक बग है कि आप कई बार अपनी ऐप का जब नाम लिखते हो तो फेसबुक आपको आपकी ऐप नहीं दिखाता, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा अपने प्ले स्टोर में लॉगिन करना है, वहां पे अपनी ऐप को सर्च करना है, उसका जो यूआरएल है ऊपर जो उसका ऐसा जो लिंक यहाँ पे आता है, ये वाला लिंक आएगा, उसको कॉपी करके आपको सीधा यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो ऐप है यहाँ पे दिखाने लग जाएगा फेसबुक। अगर आपको अपना ट्रैफिक मैसेंजर पे भेजना है, आप मैसेंजर पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम अपना जो जितना भी हमारा ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे ही भेज रहे हैं, तो हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो उसके बाद गाइस ऑप्शन आती है डायनामिक क्रिएटिव। अब डायनामिक क्रिएटिव में आप क्या कर सकते हो, आप एक ही बंदों को ऐड दिखा सकते हो 10-12 क्रिएटिव के साथ, मतलब अभी जो हम क्रिएटिव यूज करेंगे, जो हम अपनी जो ग्राफिक चूज करेंगे वो एक होगा, लेकिन आप इसके अंदर 10-12 क्रिएटिव चूज कर सकते हो एक ही ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन से क्रिएटिव से सबसे ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और आप उसी को चूज करके जो अपनी ऐड चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आती है ऑफर की। अभी ऑफर में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कूपन दे सकते हो, डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, कुछ ऑफर्स दे सकते हो, कुछ टोकन दे सकते हो, जिसको आपकी जो ऑडियंस है, जो आप अपना ऑफर दे रहे हो, मान लो अगर आपका रेस्टोरेंट आप कुछ ऑफ दे रहे हो, ठीक है, तो आप जो ऑफर टोकन है, जो कूपन है, वो सेव कर सके, जो अब आपके वो रेस्टोरेंट पे आए तो उनको ऑफ मिल सके। ठीक है, तो ये आपका जो ऑफर कूपन होगा वो आपकी ऑडियंस है वो सेव कर सकती है। तो नीचे आते हैं गाइस ऑडियंस पे, कस्टम ऑडियंस। अब गाइज ये पार्ट मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, पता नहीं क्यों मुझे ये सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, जब भी मैं काम करता हूँ ज्यादातर काम अपना इसी पे करता हूँ। कस्टम ऑडियंस गाइज क्या है, मान लो अगर आपकी फेसबुक है, सॉरी आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर आपका जो फेसबुक पिक्सल्स है, पिक्सल आपका जो कोड है वो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, तो उससे आपको क्या कर सकते हो, जितने भी आपके लोग वेबसाइट पे आए थे उनका आप रिटारगेट कर सकते हो कस्टम ऑडियंस के थ्रू। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे मैंने कुछ सेव कर नहीं रखा, मेरी वेबसाइट वैसे ही बंद हो चुकी है, तो मेरा भी कुछ आएगा नहीं। अगर आपके पास डेटा है तो आपको यहाँ पे ऑल पे दिखाएगा, अगर आपकी लोकल लाइक लोकल लाइक ऑडियंस वही होती है जो वेबसाइट पे आती है, उनको आप रिटारगेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कुछ है नहीं कस्टम ऑडियंस गाइज, मेरी कस्टम ऑडियंस में कुछ नहीं, आप यहाँ पे दिखा रहता हूँ, क्रिएट न्यू करते हैं हम। कस्टम ऑडियंस गाइज वो है अगर आपके पास कुछ डेटा पड़ा है अपनी ऑडियंस का, अपने कस्टमर्स का कुछ डेटा पड़ा है, लाइक आपके पास उनके नंबर्स पड़े हैं, कुछ उनके ईमेल्स पड़े हैं, कुछ भी आपके पास पड़ा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके तो सीधा आप उनकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कस्टमर फाइल में जाके आप उनकी फाइल को एक्सेल शीट के थ्रू या किसी चीज के थ्रू आप उनको फेसबुक पे इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि हमारी एड जो है सिर्फ उन्हीं को दिखे। और नीचे जो कस्टम ऑडियंस लोकल लाइक ऑडियंस वही है जो आपकी फेसबुक पे आपकी वेबसाइट पे जो लोग आते हैं उनका आप रिटारगेट कर सकते हो। ठीक है गाइज, नई कस्टम ऑडियंस बना के। तो नीचे हम आते हैं गाइज लोकेशन में, अभी हम यहाँ पे लोकेशन चूज करते हैं, हमारी जो हमारा जो बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, हमें कहाँ पे भेजने हैं। लाइक मैं लुधियाना रहता हूँ तो मैं लुधियाना ही डाल देता हूँ यहाँ पे, लुधियाना में गए और हमने कर दिया क्लिक। उसके बाद गाइज यहाँ पे आता है रेडियस का ऑप्शन।
अब आपको लुधियाना के अंदर कितने रेडियस के अंदर आपको अपनी एड दिखानी है, 25 मीटर के अंदर दिखानी है, या आपको 45 मीटर के अंदर दिखानी है, या आपको सिर्फ दिखानी ही एक छोटे से एरिया के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपको अपनी एड है जो कहाँ पे दिखानी है। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे दिखानी है 26 रेडियस के अंदर, ठीक है। और कुछ और एरिया भी आप काफी सारे एरिया आप चूज कर सकते हो आपको कहाँ कहाँ पे एड दिखानी है, ठीक है। और आप यहाँ पे बल्क में भी आप अपनी जो लोकेशन है इंस्टॉल इसके अंदर डाल सकते हो। अब गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है एवरीवन इन दिस लोकेशन, मतलब अभी जो लुधियाने के इस रेडियस के अंदर जितने लोग हैं उन सभी को मेरी ऐड दिखे, मैं उन सभी को ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और नीचे आती है पीपल हु लिव इन लोकेशन, मतलब जिस लोकेशन को आपने चूज किया है उस लोकेशन के अंदर वो लोग रहते हैं, ठीक है। और पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जो इन लोकेशन में है, ठीक है। पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, जो ट्रेवल कर रहे हैं इस लोकेशन पे उनको मेरी ऐड दिखे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एवरीवन दिस लोकेशन अकॉर्डिंग टू, आप जो भी आप करना चाहते हो, जो आपको सही लगता है कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, तो आप वहां पे चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है इंक्लूड एर एक्सक्लूड। इंक्लूड तो हमने कर दिया ऑप्शन को लुधियाना को, अब एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि मुझे लुधियाना के 26 मीटर के रेडियस के अंदर अपनी ऐड दिखानी है, लेकिन एक छोटा सा एरिया मुझे अपनी ऐड वहां पे नहीं दिखानी है। तो आप यहाँ पे वो सर्च कर सकते हो लुधियाना के अंदर। लाइक मैं यहाँ पे करूँ तो मैं यहाँ पे मॉडल टाउन लिख देता हूँ, मॉडल टाउन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इस एरिया के अंदर अपनी ऐड नहीं दिखानी है, सॉरी गाइस ये तो कुछ और आ गया। हाँ मतलब ऐसे आप कर सकते हो कि आपको कौन से लुधियाने के जो अपने 26 मीटर का आपने एरिया जो चूज करा है हमें उसके अंदर ऐड दिखानी है, लेकिन उस 26 मीटर के एरिया के अंदर हमें एक छोटा सा एरिया हमें वहां पे अपनी ऐड नहीं दिखानी है, ठीक है। तो ये होता है इंक्लूड जो हमने लोकेशन चूज करी, एक्सक्लूड जिसको हमें ऐड नहीं दिखानी, जिस एरिया के अंदर हमें ऐड नहीं दिखानी। तो आगे बढ़ते हैं, नीचे का ऑप्शन आती है एज की। अगर आपको कोई ऑडियंस रिसर्च करनी है तो आप ऑडियंस इनसाइट में जाके अपनी ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको आपकी ऑडियंस को पता है, लेकिन ये बहुत इजी चीज है, इसकी जो बॉडी बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी वही लेते हैं जो मैं अभी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मानते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट लेने वाले बंदे हैं वो 18 साल से लेके, नहीं 20 साल से लेके, 20 ईयर से लेके वो है 30 ईयर्स, ओके, जो जिम वाले बंदे हैं जो हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ मेंस वाले ही हैं, अगर आपको यहाँ पे देखना है आपका जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो चीज आप बेच रहे हो, जिसके अवेयरनेस कर रहे हो, वो सिर्फ सिर्फ लड़कों के लिए है या सिर्फ लड़कियों के लिए है या सिर्फ दोनों के लिए, ठीक है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें है मेंस के लिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ सिर्फ मेंस को ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने मेंस को क्लिक किया, पूरा का पूरा जो ऑडियंस का ग्राफ है वो चेंज हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑडियंस कितनी आ गई, 13 लाख की हमारी रीच आ गई, ठीक है। एस्टिमेट रीच इतनी आ गई, क्लिक्स हमारे इतने आ गए, ठीक है। अगर यहाँ मैं मेंस करता हूँ तो देखिए 9,90,000 हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। और वुमेन में क्लिक करता हूँ तो 3,20,000 हो गया, ठीक है। अब हमारी जो ऑडियंस है हमें सिर्फ मेंस को ही दिखाना है, मैं क्यों वुमेन्स पे अपने पैसे खर्च करूँ, क्यों पैसे खराब करूँ, जो मुझे पता है वो प्रोडक्ट वुमेन्स वाला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे लैंग्वेजेस गाइड, लैंग्वेजेस अब कौन सी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लोग फेसबुक यूज करते हैं आप उन्हीं को ऐड दिखाना चाहते हो। अगेन यहाँ पे मैं कुछ नहीं चूज करूंगा, सभी को मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये सबसे मेन पार्ट जो यहाँ पे आता है डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। अगर आपके पास तो आपका जो डेटा है कस्टम ऑडियंस, आपके पास जो आपकी फेसबुक जो आपके ऑडियंस है उनके, आपके पास उनका डेटा है, उनके नंबर है, उनके ईमेल है, तो आप सीधा उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको यहाँ पे आता है डिटेल टारगेटिंग में। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाता है गाइज, क्या क्या है वो ऑप्शन दिखाता हूँ, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब आपको डेमोग्राफिक्स के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन दिखाता है, एजुकेशन, फाइनेंशियल, एजुकेशन के अंदर भी काफी सारे, एजुकेशन लेवल के अंदर भी काफी सारे, मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट आपको दिखाता है। आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपका जो ऑडियंस है कौन से इंटरेस्ट वाली है। लाइक तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी बिल्डिंग, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिम्स वाले लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी बिल्डिंग, ओके, बॉडी बिल्डिंग। नहीं, हमें बॉडी बिल्डिंग जो है इंटरेस्ट लेना है, हमें डेमोग्राफिक नहीं लेना है, जिनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमें उन्हीं को ऐड दिखानी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ये आ गया बॉडी बिल्डिंग। अब आप क्या कर सकते हो, किन को ऐड दिखा सकते हो, लाइक अगर आप यहाँ पे एक हमने इंटरेस्ट ले लिया बॉडी बिल्डिंग, तो आप यहाँ पे सजेशन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, आपको पता है कि ये मेरी ऑडियंस ये है, तो आप कर सकते हो, लिख सकते हो सीधा। तो अभी मुझे किसके बारे में पता नहीं, मैंने अचानक से ऐसे बॉडी बिल्डिंग लिख दिया, मैंने कुछ सोच के नहीं करा था ये सब। तो सजेशन में जाएंगे हम, देखेंगे काफी सारे हमें ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये देखिए वेट ट्रेनिंग, हेल्थ वेलनेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, बिहेवियर या डेमोग्राफिक्स नहीं दिखा रहा, हमें इंटरेस्ट ही लेने, ठीक है गाइस। मैं आपको आगे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या होता है, डिटेल इसके अंदर समझाऊंगा कि
कब आपको डेमोग्राफिक्स लेना चाहिए, कब आपको इंटरेस्ट और कब बिहेवियर लेना चाहिए। ठीक है गाइस, फिलहाल हम इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और हम ले सकते हैं यहाँ पे मसल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीन जो इंटरेस्ट चूज करें जा रहा, अगर हो सके तो दो तीन ही, मतलब दो तीन चार ही आप इंटरेस्ट ले, ज्यादा इंटरेस्ट आप मत ले, वेट ट्रेनिंग नहीं ले रहा मैं, गलत से क्लिक हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है गाइज, यहाँ पे नीचे एक्सपैंड इंटरेस्ट। अब ये क्या है गाइज, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तब देखना ऑडियंस कितनी बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पे ऑडियंस कितनी दिखा रहा है, 2.5 लाख दिखा रहा है ऑडियंस। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, देखो 9,90,000 हो गई। अब यहाँ पे आपको इसके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना है, ये एक रूल है, आपको कभी इसके ऊपर क्लिक करना ही नहीं है। ठीक है, जो मुझे लगता है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, अगेन कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपको क्लिक करना पड़ जाए, लेकिन इतना अभी नहीं है कि आपको क्लिक करना पड़ेगा, अब इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। बता देता हूँ क्यों नहीं करना है गाइस, इसमें क्या होता है, जो फेसबुक को लगेगा ना कि हाँ लोग इस चीज को लेके और इंटरेस्टेड है, तो उनको भी एड दिखाएगा, मतलब इररिलेवेंट जो आपकी ऑडियंस होगी ना उनको भी ऐड दिखाएगा, आपको फालतू में खर्चा पहुंच जाएगा। तो हमें फेसबुक के हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है कि हमें ऐड किनको दिखानी है, सिर्फ इन इंटरेस्ट वालों को दिखानी है हमें ऐड। ओके, और अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है कनेक्शन टाइप्स, ऐड कनेक्शन, हमें ऐड किनको दिखानी है, पीपल हु लाइक योर पेज, फ्रेंड हु पीपल लाइक योर पेज, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। ठीक है, तीन यहाँ पे ऑप्शन आती है, अब यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको किनको ऐड दिखानी है, पीपल जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया सिर्फ मुझे उन्हीं को ऐड दिखानी है, या जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया उनके फ्रेंड्स को मुझे अपनी ऐड दिखानी है, या मुझे अपना पेज जो है उसको एक्सक्लूड करना है कि मेरे पेज पे ऐड नहीं दिखना चाहिए। लाइक मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ चूजी ऑल, ये मेरा पेज आ गया तो मैंने क्लिक कर दिया, तो बाकी सबको मेरी ऐड दिखाएगा, लेकिन जो मेरे पेज पे जिन्होंने लाइक किया हुआ है 100 200 300 लोगों ने, उनको ऐड नहीं दिखाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको अगेन काट देते हैं यहाँ पे, ऐड कनेक्शन टाइप मैं कुछ नहीं डालूंगा, सभी को ऐड दिखनी चाहिए मेरी। तो भी यहाँ पे अपनी ऑडियंस को सेव कर सकते हो, लाइक सेव दिस ऑडियंस लिख के यहाँ पे कुछ भी करके आप ऑडियंस को सेव कर सकते हो, ताकि बार बार आपको ऑडियंस ना बनानी पड़े, आप सीधा वहां पे जाके सेव ऑडियंस में जाके आप अपनी ऑडियंस को उठा सकें, यू सेव ऑडियंस करें। ठीक है, ये देखिए बॉडी बिल्डिंग की मैंने एक पहले से बना रखी थी, शायद मैंने ऐड चलाई थी, तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस है सेव पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आती है प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट्स का क्या होते हैं लिखो, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहा है फेसबुक, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और एडिट प्लेसमेंट्स। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स में गाइस आपकी जो ऐड है वो हर जगह दिखाएगा, लेकिन हमें अपनी ऐड हर जगह नहीं दिखानी है, मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको फेसबुक के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। हम यहाँ पे करेंगे एडिट प्लेसमेंट्स, तो आप देखिए आपको अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी है। ठीक है, आपको फेसबुक फीड्स में दिखानी है, अब जहां जहां पे मैं क्लिक करूंगा ना, वैसे ये देखना आपको साइड में वैसी वैसी ऐड दिखाता रहेगा कि आपको आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखेगी। सॉरी गाइस, यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आना शुरू हो गए हैं। आपको फीड्स में दिखानी है, आर्टिकल्स में दिखानी है, लाइव स्ट्रीम वीडियोस में दिखानी है, राइट कॉलम, सजेस्टेड वीडियोस, मार्केट प्लेस, स्टोरीज, इंस्टाग्राम। गाइस अगर आप इंस्टाग्राम की ऐड, तो सो सॉरी गाइस, बहुत तंग करते हैं ऐड्स मुझे, तो आपको इंस्टाग्राम की ऐड जो है मेरे हिसाब से आपको अलग ही चलानी चाहिए। जितना मैंने करा, जितनी मैंने ऐड चलाई है, मैंने तो अभी पहले मैं क्या करता था, पहले मैं सीधा ही चला देता था, लेकिन अभी मुझे लगा कि आपको इंस्टाग्राम की जो ऐड है वो अलग से बनानी चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं अपनी ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ अभी मैं इंस्टाग्राम पे दिखाने वाला हूँ, मैं अपनी ऐड फेसबुक पे या कहीं पे भी नहीं दिखाने वाला हूँ। लाइक मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ, फेसबुक फीड्स में दिखाने वाला हूँ, और मुझे अपनी ऐड कहीं पे नहीं दिखानी है। हाँ, रिलेटेड वीडियोज में नहीं, मेरी वीडियो तो है ही नहीं, मैं क्यों यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे अपनी ऐड नहीं दिखानी है, मैसेंजर में दिखानी है, इनबॉक्स स्टोरीज में अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, तो ये मेरे जो मैंने चूज करे हैं, मुझे अपनी ऐड दिखानी है, लेकिन अभी हम सभी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी ऐड ही रन करने वाले हैं। आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आपको अपनी ऐड कहाँ पे दिखानी है और कब दिखा, मतलब कैसे दिखानी है। ठीक है, यहाँ ठीक है गाइस, हमने प्लेसमेंट को चूज कर लिया कि हमें अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी है। अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे ऑल मोबाइल डिवाइसेस, आपको कौन कौन से मोबाइल पे ऐड दिखानी है, यहाँ पे इतनी डिटेल टारगेट कर सकते हो गाइस, आप मान ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये मुझे लगता है, अगर आपकी कोई ऐप है, लाइक अपने अपनी ऐप पे ट्रैफिक भेजना है, आपकी ऐप है जो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड पे चलती है या सिर्फ और सिर्फ आईओएस पे चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे उनको टारगेट कर सकते हो बहुत अच्छे से। लाइक मैंने क्लिक किया एंड्रॉइड डिवाइस ओनली, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ आ गए, हम इनको कोई बात नहीं, इनको मैं हटाता हूँ,
मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे कैसे चूज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया सैमसंग, देखिए सैमसंग लिखा, सैमसंग के काफी सारे मोबाइल्स आ गए। आपको किसी मोबाइल को दिखाना कि हाँ यार मुझे एड अपने सैमसंग के सिर्फ इसी मोबाइल पे दिखानी है, मेरी एड सिर्फ स्पेसिफिक इसी मोबाइल के लिए बनी है, तो मैं अपनी एड इनको दिखा सकता हूँ, सिर्फ इसी मोबाइल वाले को दिखाऊंगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल लिखता हूँ, ये ना आ नहीं रहा, कुछ बग है गाइस इसमें। आता है लेकिन अब गाइस आने लगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे ऐड दिखानी है। ठीक है गाइस, तो मैं अभी यहाँ पे इसको कट कर, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे अभी आईओएस क्लिक नहीं करा था इसलिए नहीं आ रहा था वो। आईओएस पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्पल, या मुझे एप्पल्स की मोबाइल दिखाने लग जाएगा। आपको पूरा उसका एप्पल का नाम लिखना है, तो आपको मोबाइल का नाम लिखना है, तो आपको वहां पे आपके जो मोबाइल से दिखाने लग जाएगा, आपको सिर्फ उन्हीं के अंदर ही आपको अपनी ऐड जो दिखाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ करने नहीं वाला, तो मुझे अपनी ऐड जो सभी को दिखानी चाहिए। मेरी कोई अभी इतनी स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं कि मुझे सिर्फ आईफोन वाले को दिखाना है, सिर्फ एंड्रॉइड वाले को दिखाना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सभी को अपनी ऐड दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे और पे क्लिक करूंगा और उसके नीचे ही आपको एक और ऑप्शन दिखती है, ओनली वेन कनेक्टेड टू वाईफाई। आपकी जो ऑडियंस है उनको तभी ऐड दिखे जब वो वाईफाई से कनेक्ट है। अब आप लॉजिकली सोचो, आपकी जो ऑडियंस है वो क्या सारा दिन वाईफाई चलाती है? नहीं गाइस, मेरी जो ऑडियंस है बॉडी बिल्डिंग वाली हो सकता है चलाती हो, लेकिन ज्यादातर है जो मोबाइल डेटा ही यूज करते हैं। आप इस चीज को कभी यूज कर सकते हो। लाइक मान लो किसी किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, किसी ऐसे या किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हो कि हम आपसे अपनी जो है हमसे मार्केट करवा लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह में या ऑफिस वगैरह में ज्यादा वाईफाई यूज किया जाता है। ठीक है, जितना मैंने देखा है, तो तब आप उसको क्लिक कर सकते हो ओनली वेन कनेक्टेड टू वाईफाई। जब वो वाईफाई से कनेक्ट हो तभी उनको मेरी ऐड दिखाई दे, वरना जो डेटा चला रहे हैं उसमें भी मेरी ऐड दिखाई दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, मुझे कोई इसको नहीं लेना है। यहाँ पे कुछ एरर्स दिखा रहा है, एक सेकंड में पढ़ लूँ इसको। एक्चुअल कैटेगरीज कंट्रोलर इंजन सोन ऑडियंस नेटवर्क, ओके वन सेकंड। कुछ नहीं गाइस, मतलब ऐसे ही क्लिक्स आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, और आपको क्या मतलब कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज करनी है। आप लैंड पेजेस व्यू कर सकते हो, लिंक क्लिक्स कर सकते हो, ठीक है, इंप्रेशंस पे कर सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा वो क्या करेगा, इंप्रेशंस दिखाएगा क्या करेगा वो सबसे ज्यादा, लैंडिंग पेज व्यूज। मैं यहाँ पे करता हूँ लिंक क्लिक्स पे, मुझे सबसे ज्यादा लिंक क्लिक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लिखेंगे हम। तो जब नीचे आती है बजट एंड शेड्यूल, अब आपका जो डेली बजट, आप उसको डेली बजट कर सकते हो या लाइफ टाइम बजट कर सकते हो, आपके हिसाब से आपको कौन सी कैसी ऐड चाहिए आपको। मैं यहाँ पे करता हूँ डेली बजट, मैं डेली बजट यहाँ पे कर देता हूँ। लाइक जब भी गाइस आप एड चला रहे हो ना, तो कम से कम आपका जो बजट है वो 40 रुपये होना चाहिए, जो फेसबुक कहते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है ना गाइस, आपका बजट जो 400 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे कम करोगे तो आपको फेसबुक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया फेसबुक के अंदर, कि मैंने अभी मुझे कोर्स कितना टाइम नहीं हो, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐड रन करी है, मैंने 30-40 मैंने ऐड रन करी है, मैंने हर एक पैसे के ऊपर 40 का वाली भी चला के देखी है, 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली, 400 वाली भी। अभी मेरा क्लाइंट है उसकी मैं 2000 रुपए पर डे के हिसाब से उसकी ऐड रन कर रहा हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जो 400 कम से कम आपका, जो मुझे लगता है आपका जो बजट है 400 रुपए कम से कम आपका डेली बजट होना चाहिए, तभी आपको फेसबुक है बहुत अच्छी रीच देता है, बहुत अच्छे लिंक क्लिक्स देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम 400 रुपए डेली बजट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप रन माई एड कंटिन्यूसली स्टार्ट टुडे, मतलब जो यहाँ पे कंटिन्यूसली दिखाएंगे वो होता है एक वीक। जब यहाँ पे रन पहले वाले ऑप्शन में कर दो क्लिक, तो आपकी वो एड एक हफ्ता दिखाएगा पूरी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसका बजट दिखा देगा आपको कितने पैसे लगने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अपना जो एड वो स्टार्ट एंड भी कर सकते हो, आप कब शुरू करनी है आपको शेड्यूल कर सकते हो, लाइक कब शुरू करनी है कब खत्म करनी है। अब यहाँ पे आ रहा है अप्रैल 21, 2019, तो ठीक है, मैं अपनी 21 अप्रैल से लेके जो मेरी एड है मैं दिखाना चाहता हूँ 26 अप्रैल तक। ठीक है, और मेरा जो टाइमिंग्स है मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मुझे अपनी एड ऑप्टिमाइज करनी है 9:32 से लेके 9:32 तक मुझे अपनी एड दिखानी है। ठीक है, 21 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक मुझे अपनी ऐड दिखानी है, 5 दिन मुझे अपनी ऐड दिखानी है। ये मेरा 2000 मेरा बजट आ गया, खर्चा आ गया मेरा, उसके अंदर जो मेरा एस्टिमेटेड टैक्स है वो 360 रुपये आ गया। ये गाइस अभी आने लगा है जब से जीएसटी इसके अंदर आई है, पहले ये कुछ नहीं था, ये फालतू खर्चा हो चुका है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर डाल सकते हो, उसके अंदर आपको काफी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वरना आपके जो 360 रुपये वो वेस्ट ही जाते हैं। मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मेरे तो पैसे खराब जाते हैं बहुत सारे, यहाँ से मैं तो क्लाइंट्स का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने दो। तो गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है व्हेन यू गेट चार्ज,
आप फेसबुक आपसे कब चार्ज करे, आपको इंप्रेशंस पे मतलब ज्यादा से ज्यादा एड दिखाने पे चार्ज करे या लिंक क्लिक्स पे चार्ज करे, ठीक है, ये आपको चूज करना है। आपको इंप्रेशंस पे आपको फेसबुक चार्ज करे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड दिखाने में चार्ज करे या लिंक क्लिक्स पे। मैं अगर लिंक क्लिक्स पे ही जाऊंगा क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा लिंक क्लिक्स चाहिए मुझे। तो अब यहाँ पे जब लिंक क्लिक्स पे करोगे ना गाइस, तो फेसबुक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा आपकी एड पे क्लिक्स लाने की। तो मुझे क्लिक्स ही चाहिए, मुझे अपनी जो ऑडियंस है अपनी वेबसाइट पे लेके जानी है, मेरा जो वेबसाइट पे मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है या कुछ भी है, मुझे अपनी ऑडियंस को पूरा पूरा वहां पे लेके जाना है, ट्रैफिक वहां पे लेके जाना है। तो मैं लिंक क्लिक्स पे ही करूंगा, ठीक है। जब कोई क्लिक करेगा तभी मेरे पैसे कटेंगे, वरना मेरे पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाता है कि कितने पैसे वैसे कटने चाहिए, लेकिन अभी दिखा नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे आता है डिलीवरी टाइप एंड एक्सेलरेटर, इसको आपको छोड़ देना है, इसको नहीं छेड़ना है आपको। तो हम करते हैं कंटिन्यू। मुझे पता नहीं वीडियो काफी लंबी जा रही है। अपना एड का नेम लिख सकते हैं, एड सर्च के अंदर जो आपकी एड है उसका आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। काफी डिटेल्ड वीडियो होगी, पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको एड कैसे रन करनी है। एक एक ऑप्शंस में मैं काफी सारा अच्छे से आपको समझा रहा हूँ कि आपको कौन सी एड, मतलब आपको जो ट्रैफिक एड है वो कैसे चूज करनी है, कैसे कैसे आपको करना है और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आपने जब उसको एड को नेम दे दिया, तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे मैंने अभी कुछ यूज किया नहीं हुआ है पेज के हिसाब से। तो भी यहाँ पे क्रिएट ऐड भी कर सकते हो, नई ऐड जो आपको क्रिएट करनी है उसके अंदर आपको गाइस भी आवाज है। फेसबुक पेज आपको कौन से पेज पे ऐड चलानी है, मेरे खुद का जो कुनाल मुनाल का पेज है उस पे आपको ऐड चलानी है, या आपको मेरा जो चूज का पेज है उस पे ऐड दिखानी है, और इंस्टाग्राम पेज भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज आपका नहीं शो कर रहा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट आपको उसको फिल करके, तो आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट है दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस उसके बाद ऑप्शन आती है फॉर्मेट की, आपको आपकी एड कैसी दिखानी है, मतलब आपका यहाँ पे तीन ऑप्शन आती है, क्राउजल की, सिंगल इमेज और वीडियो कलेक्शन। अगर आपके पास दो से ज्यादा इमेजेस है, दो इमेजेस हैं, तो दो तीन चार जितनी इमेजेस है यहाँ पे क्राउजल चूज कर सकते हो। दो से ज्यादा वीडियोज है आपके पास, तो यहाँ पे क्राउजल चूज कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो है, तो आप यहाँ पे सिंगल ही चूज कर सकते हो। कलेक्शन, अगर आपके पास काफी सारी कलेक्शन है, आपके प्रोडक्ट्स है, आपको उसको बेचना है, आपको शॉप ना हो वाला जो सीरियल लगा के आपको बेचना है, तो यहाँ पे आप कलेक्शन क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिंगल है, तो सिंगल पे क्लिक करूंगा मैं। ओके, अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आती है अपलोड इमेज की। अगर आपके पास यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है, तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, आपकी पोस्ट जो यहाँ पे आ जाएगी नीचे। तो हम यहाँ पे नई पोस्ट अभी जो मैं अपलोड करने वाले थे, यहाँ पे हम करेंगे अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर खुल जाएगा, माई कंप्यूटर खुलेगा। यहाँ पे मैंने एक एड बनाई हुई थी इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी गाइस, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है वो एड वाली, कुछ भी मान लो मेरे ये थंबनेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मेरा ये पड़ा हुआ थंबनेल मेरा पड़ा हुआ है। तो इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे वैसे अभी हम टारगेट कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वालों को, लेकिन मेरी जो एड वो मिल नहीं रही है बॉडी बिल्डिंग वाली, मैंने एक बनाई हुई थी एड मैंने, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो हमारी एड है वो यहाँ पे दिखाएगा अभी। अगेन गाइस, इसमें कुछ बग है, कई बार ऐसा होता है कि लोड नहीं लेता, ये टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपनी जो एड है यहाँ पे भी दिखाएगा, लोड हो रही है अभी। ये देखिए जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला थंबनेल चूज करा था, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये आपकी एड दिखा रहा है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे चूज करी थी ना एड, वो वाली यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट पे हमें क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो हमारा ट्रैफिक का वेबसाइट पे जाएगा, आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं गाइस, ये जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं ये यहाँ पे ऊपर शो होगा इसके, ठीक है। टेक्स्ट जो हम लिखेंगे, लाइक हम लिख लेते हैं टू नो मोर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लिक
लिंक, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे जो मेरे अभी वो एड मिल नहीं रही है, मैंने आपको अच्छे से बताता आपको कैसे वो उस एड को रन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी क्लिक बेटिंग लाइन लिखनी है जो आपको जिसको देख के जिसको पढ़ के बंदा जो क्लिक करे। मान लो अगर अब सपोज करते हैं यहाँ पे मेरी एड थी बॉडी बिल्डिंग वालों की या इंटीरियर डिजाइनर्स वालों की मेरी एड थी, तो यहाँ पे मैं ऊपर में लिखूंगा कि क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर लिखूंगा मैं, हाउ योर कंप्यूटर मेक्स मोर देन यू, कुछ आपको ऐसी क्लिकेबल जो लिंक्स जो लाइन होती है ना गाइस, आपको वही लिखनी है जिसको देख के बंदे को लगे हाँ यार मुझे क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। मतलब आपको उसके मन के अंदर कुछ ऐसा, उसके माइंड के ऊपर, उसके माइंड पे आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालना है, उसके माइंड को कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिसको पढ़ के बंदा क्लिक करने में मजबूर हो जाए, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज है गाइस, आपको जो ग्राफिक आना इतना फाड़ होना चाहिए कि बंदा देख के ही उसको लगे हाँ यार ये अच्छी है, अच्छी चीज है, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। बहुत अच्छी आपकी जो ग्राफिक होनी चाहिए, आपके जो ग्राफिक को देख के ही बंदा आपकी एड पे क्लिक करता है और आपकी जो लाइंस को देख के बंदा उसको पढ़ के क्लिक करता है। सबसे पहले बात गाइस, आपका सबसे पहले दिखता है वो ग्राफिक है, आपके ग्राफिक को देख के ही बंदा आपकी जो लाइन को पढ़ता है। अगर आपका उसको ग्राफिक अच्छा नहीं लगेगा, आपका ग्राफिक उसको पसंद नहीं आएगा, तो आपकी वो जो यहाँ पे जो लाइन लिखी है उसको पढ़ेगा ही नहीं, उसको स्किप कर देगा। अगर उसको अच्छा लगा, उसको पहले ग्राफिक अच्छे से देखेगा, उसको नोटिस करेगा, फिर उसके बाद नीचे जो आपकी लाइन को पढ़ेगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो वेबसाइट पे वो आएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे नीचे आते हैं, लाइंस हम लिख दी, लाइक हमने कुछ भी ऐसे लिख दिया, तो हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या लिखना है इस चीज के ऊपर, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको अच्छे से सोचना है इस चीज के ऊपर, ये नहीं जो माइंड में आया ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से आपके आपको लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं वेबसाइट यूआरएल में, ठीक है। तो अभी मेरी वेबसाइट चल नहीं रही, मैं किसी की वेबसाइट पे उठा के आपको बता रहा हूँ कैसे आपको यूआरएल कॉपी करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मान लो गाइस ये मेरी एक वेबसाइट है, हैकरडे वेबसाइट है, तो इसको मैं इसका जो लिंक है जो मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपने इस पे जाके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कर रहा है उसको रीड कर रहा है, उसको उस लिंक को रीड कर रही है एड। तो हमने यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे हमने जो लिंक है वो कॉपी कर दिया हमने, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मान लीजिए आपके पास आपकी वेबसाइट है और जहाँ पे आपने कुछ ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके बेचने वाले पड़े हैं वहाँ पे इसको, या पे सबसे पहले आप उनको अपने जो प्रोडक्ट्स के बारे में उनको अवेयर करना चाहते हो ब्लॉग के थ्रू, उनको अपना ब्लॉग जो पढ़ाना चाहते हो, या अपना कोई वीडियो क्या है उसका लिंक देना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक कॉपी करके मैंने डाल दिया, आपको सीधा करना है अपनी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जो ऊपर ये वाला लिंक होता है आपको उसको कॉपी करके यहाँ पे करना है सीधा पेस्ट, वेबसाइट यूआरएल में आपको उसको कॉपी को पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट का नेम है यहाँ पे नीचे दिखाने लग जाएगा आपके ग्राफिक, आपकी जो क्रिएटिव के अंदर hackaray.com, ठीक है। मेरी वेबसाइट थी कुछ ऐसी जहाँ पे कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया कुछ भी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन आती है हेडलाइंस की, अब यहाँ पे जहाँ पे hackaday लिखा वहाँ आपकी आपकी हेडलाइंस क्या होनी चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे आपका जो क्रिएटिव है, अगेन मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, मुझे वो क्रिएटिव मिला नहीं, मैंने काफी अच्छे से उस क्रिएटिव को बनाया था मैंने बॉडी बिल्डिंग वाले को, तो आपका मान लीजिए यहाँ पे क्रिएटिव है बॉडी बिल्डिंग वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो हेडलाइन है वो आपने लिखनी है कुछ भी, स्टे फिट से कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे भी माइंड में कुछ आ नहीं रहा है, स्टे फिट मतलब कुछ भी अभी आप लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, अभी क्या मेरे माइंड में कुछ ऐसा अच्छा आ नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय आवर प्रोडक्ट स्टे फिट। और यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी लाइन लिखनी है जो क्लिकेबल, जो क्लिक वाली हो, जहाँ पे जिसको देखे बंदा लगे हाँ यार भी काफी अच्छी चीज है ये, आपको काफी अच्छी चीज यहाँ पे लिखनी है जो बंदे के माइंड पे इम्पैक्ट पाए कि आपकी जो एड पे क्लिक करी, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अभी मेरे कुछ माइंड में आ नहीं रहा मैं क्या लिखूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे ऑप्शन आती है नीचे गाइस सीटीए, यहाँ पे जो लिखा है लर्न मोर, आपको यहाँ पे क्या लगाना है सीटीए, आपको क्या लगाना है कॉल टू एक्शन, आपको क्या देना है, ठीक है। नो बटन देना है, कुछ बटन देना है, लेकिन हम बटन देना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो लिसन नाउ करना है आपको, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट क्यूट, गेट शो टाइम, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं लर्न मोर पे, हमारी जो वेबसाइट पे है
वो लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो सीधा वो वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, उस ब्लॉग पे पहुंच जाएगा जिस वेबसाइट पे हमने अपना जो ब्लॉग है लिखा हुआ है बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। नीचे हम और आते हैं, यहाँ पे आते हैं एडवांस यूआरएल, इसको भी आपको नहीं छेना, ये कुछ और चीज के लिए यूज होता है, आपको रीडायरेक्ट किसी पे लेके जाना है तो वहां पे यूज होता है ये। न्यूज फीड डिस्क्रिप्शन गाइज, ये जो नीचे है लिखा ना हमने बाय अवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसके नीचे जो हमें क्या लिखना है, इसके नीचे लाइक यहाँ पे लिखा ना फ्रेश हैक्स एवरीडे, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉल नाउ फॉर बेस्ट ऑफर्स, लाइक मेरे माइंड में कुछ अच्छा आ नहीं रहा है इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कॉल नाउ फॉर बेस्ट ऑफर्स, ठीक है। तो आपको ये चीज को अच्छे से सोच के ये करना है, आपकी जो सारी यहाँ पे जो हमने चीज पे मेहनत करी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे आके ही दिखाएगी। अगर आपकी ये चीज अच्छी नहीं है ना गाइज, जितनी मर्जी आप अच्छी ऑडियंस चूज कर लो, जितनी मर्जी आप कोई सी भी एड चला लो, आपके रिजल्ट कभी नहीं आएंगे अगर आपकी ग्राफिक और आपकी ये चीज आपकी अच्छी नहीं है। अगेन यहाँ पे सब हर चीज एक अपना एक रोल अलग से प्ले करती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होना चाहिए आपका जो ये चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी लाइंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है गाइज। और उसके नीचे हम आते हैं यूआरएल पैटर्न, ये भी हमें नहीं छेड़ना है कुछ भी, मतलब इसका है नहीं अभी इतना। कन्वर्जन ट्रैकिंग सबसे मेन, जो हमारा फेसबुक जहाँ पे हमें अपना ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, जिस वेबसाइट पे हमें अपना ट्रैफिक लेके जाना है, जिस वेबसाइट पे हमारा ब्लॉग पड़ा है उस पे हमें अपना ट्रैफिक लेके जाना है, हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे कि कौन कौन लोग आए थे, ठीक है। अब हमें फेसबुक एग्जैक्ट ये नहीं बताता कि कौन कौन लोग आए थे, अब उनको रिटारगेट कैसे करोगे, तो आपको जो फेसबुक आपका जो पिक्सल है वो आपका जरूर उस पर सेटअप होना चाहिए। आपको अगर आपको नहीं है तो आपको उसका फेसबुक का जो पिक्सल का कोड आपको वेबसाइट के अंदर अपना डालना चाहिए। मेरी वेबसाइट अभी बंद पड़ी है तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता उस चीज को, लेकिन सिंपल आपके अगर वेबसाइट पे आपका फेसबुक पिक्सल आपका इंस्टॉल है तो आपको सीधा पिक्सल पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब उनको जो जो लोग आए थे तो अब उनको रिटारगेट कर सकते हो वहीं पे जाके, कस्टम ऑडियंस में जाके बताया था ना मैंने लोकल एक उनकी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो आप उनकी, तो वहां पे उनको रिटारगेट आप कर सकते हो, ठीक है। बस दोबारा से मैं बताता हूँ आपको हमने क्या क्या किया। ये हमने एड पर रन करी है, हमने एड चूज करी ट्रैफिक एड, ठीक है, उसके बाद हमने चूज करा एड सेट नेम, हमें ट्रैफिक कहाँ भेजना है, अपनी वेबसाइट पे भेजना है, डायनामिक क्रिएटिव एक से ज्यादा क्रिएटिव यूज कर सकते हो, ऑफर डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, ऑडियंस अगर आपके पास कोई सेव ऑडियंस पड़ी है, आपके पास डेटा पड़ा है, आपके लोकल एक ऑडियंस है, आपको एरिया चूज करना है कहाँ पे आपको उस एरिया के अंदर एड दिखानी है, ठीक है, किन किन लोगों को दिखानी है, इंक्लूड क्या एक्सक्लूड कर सकते हो, किसी एरिया को एड नहीं दिखानी है, आपकी जो एज है ऑडियंस वाली है, जेंडर दिखा सकते हो, लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हो, इंटरेस्ट आपने डाले यहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन आपने डाले, कनेक्शन डाल सकते हो, प्लेसमेंट हमने एडिट करी, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं इस चीज को दोबारा से बता दूं गाइस, इस चीज को ध्यान दे, सबसे मेन चीज यही है लिंक क्लिक्स, ठीक है। आपकी जो अगर लैंड पेज व्यू पे क्लिक करोगे ना गाइस, तो आपकी जो फेसबुक आपकी एड है ना, फेसबुक आपके जो जहाँ पे आप उस ट्रैफिक को लेके जाना चाहते हो तो वहां पे वो लेके जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे लिंक क्लिक कर देता हूँ तो हो सकता है कि बंदा लिंक क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे ना जाए, उसको वहीं से छोड़ दे, या हो सकता है लिंक क्लिक कर रहा है तो पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कर देंगे ना गाइस लैंड पेज व्यूज, तो सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आपकी जो ऑडियंस को जिसने क्लिक किया है उसको लैंडिंग पेज व्यूज पे ही लेके जाए जहाँ पे मेरा ब्लॉग लिखा हो, तो आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है, इंप्रेशंस अगर आपको सबसे ज्यादा इंप्रेशन चाहिए आपकी जो एड पे इंप्रेशन आए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज पे ही क्लिक करना है, जो मेरा लैंडिंग पेज है जहाँ पे मेरा ब्लॉग पड़ा है वहां पे ज्यादा से ज्यादा मेरी ट्रैफिक को लेके जाओ, ठीक है। तो बजट आप सेट कर सकते हो, स्टार्ट डेट एंड डेट कर सकते हो, ठीक है, और अब कब आप चार्ज करो इंप्रेशन, अब आपको इंप्रेशन पे ही वो चार्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं लैंडिंग पेज यूज पे क्लिक किया तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन दिखाएगा, और ज्यादा ज्यादा जितने ज्यादा इंप्रेशन आएंगे उतने ज्यादा लोग क्लिक उस पर करेंगे, लैंडिंग पेज पे जाएंगे, ठीक है, इंप्रेशन के हिसाब से आपको चार्ज करेगा वो फेसबुक। तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं और आगे अपना पेज चूज किया, अपना एड का नेम लिया, पेज चूज किया, कौन सी मतलब कैसी एड दिखानी, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, दो से ज्यादा है, सिंगल या कलेक्शन आपकी है, ठीक है, अपनी जो उसको अपलोड किया अपनी इमेज को, और यहाँ पे जो अपने सब कुछ डेटा डाल दिया, जो भी उड़ गया है मैंने बैक कर दिया इसलिए वो सब कुछ हट गया, तो आपको यहाँ पे वो सब कुछ करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे करना है आपको कंफर्म। अब जैसे हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे ना गाइज, मैं यहाँ पे आ ही गया आपको दिखा दूं, मैं जैसे आप कंफर्म कर दोगे ना गाइज एड को, तो आपको यहाँ पे ऐसी एड दिखाने लग जाएगा, ठीक है,
ये देखिए ये मेरी एक ऐड थी मैंने चलाई थी, आपको ऐसे यहाँ पे ऐड दिखाने लग जाएगा। अगर आपको मान लो अगर कुछ आपने ऐड के अंदर गलती कर दी है, मैंने कुछ इंटरेस्ट चेंज करना है, कुछ और चेंज करना है, तो सीधा आपको यहाँ पे जाना है एडिट में। पहले आपको ऐड बंद करनी है, उसके बाद ये सब कुछ चेंज करना है, ठीक है। ये सब कुछ एडिट में जाना है और अपनी जो मान लो अपना डेली बजट चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर दिया आपने, या आपको अपनी ऑडियंस को चेंज करना है आप अपनी ऑडियंस को चेंज कर सकते हो, इंटरेस्ट चेंज करना है इंटरेस्ट चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज करना है लोकेशन कर सकते हो, किसी और एरिया को एक्सक्लूड करना है उसको कर सकते हो, या जिसको मैंने एक्सक्लूड किया है उसको फिर से मैं इंक्लूड करना है वो कर सकते हो, अपना जो क्रिएटिव है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपना जो स्टार्टिंग डेट टाइम है उसको चेंज कर सकते हो, अपनी जेंडर को चेंज कर सकते हो, मतलब आपको हर चीज आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है तो भी यहाँ पे आके उस चीज को चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ अभी कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ, ये मेरी पहले वाली ऐड है, ओके। तुम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लुधियाने की जगह हम यहाँ पे कुछ और भी डाल देते हैं, लाइक हम डाल देते हैं यहाँ पे दिल्ली, ओके दिल्ली किया, दिल्ली इंडिया। तो यहाँ पे आपको जब चेंज कर दोगे ना गाइस, यहाँ पे आपको उसको पब्लिश भी करना है, आपको पब्लिश करोगे तभी वो चेंज होगा, वरना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी आप पब्लिश कर रहे हैं तो वो अभी देखिए वो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है बैक, आपकी जो ऐड है वो पब्लिश, ऐड सेट नोट अपडेटेड, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी ऐड अभी ऐड रन हो नहीं रही थी इसलिए वो इनकम्प्लीट है, तो वो नहीं होगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर जब उसको क्लिक कर दोगे गाइस, यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा आपकी ऐड है जो अपडेट कर दी गई है, मतलब उसके जो चेंजेस हैं वो कर दिए गए हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस ट्रैफिक ऐड जो मैंने आपको बताया, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको ऐड चलानी चाहिए ट्रैफिक ऐड के अंदर, ठीक है। चलिए गाइस चलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।